गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज वीर अगेन फ्रॉम सरस्वती क्लासेस। फ्रेंड्स, एज वी नो दैट वी आर जस्ट वॉचिंग एलिमिनेशन मेथड, हियर वी हैव डिस्कस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। द सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन इन दिस वे। वी हैव गिवन एन इक्वेशन ax प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल, इस जो वैल्यू दी हुई है उनके तो कोई वेरिएबल्स एक्स और वाई नहीं लगा हुआ है, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वल टेप उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, सिंपल करते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 10 इस तरफ है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 10। ओवर हियर 2x माइनस 2y माइनस 2 है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 2। अभी आपका नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अभी ये जो है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं व्यापक स्वरूप। अब ये आपको व्यापक स्वरूप में दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। इक्वल टू यहां दिया हुआ था, तो हम यहां से वैल्यू को उठा के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, वापस आपका नॉर्मल कंडीशन क्वेश्चन आ जाएगा। वी आर सीइंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आइदर एक्स और वाई, आपको जो उचित लगे किसी एक को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, राइट। अब इक्वल करना है तो आप डिसाइड करेंगे, यहाँ पर 3x और 2x है, हियर 4y एंड 2y है। सो यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, यू कैन चेंज। इन प्रीवियस सम वी हैव चेंज्ड x को इक्वल किया था, राइट। इस क्वेश्चन में हम y को इक्वल करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 y में देखते हैं, y कितना है यहाँ पर, 4y बड़ी वैल्यू, और ये 2y। तो फर्स्टली हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों एक ही इक्वेशन में कहाँ सेट होते हैं। तो 2 के टेबल में 4 आता है, आ जाता है, राइट। तो हम इसे नाम दे दो, इसको इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर, लास्ट क्वेश्चन में आपने पहले इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया था, तो जो वैल्यू छोटी होगी हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें x और y नाम के जो दो वेरिएबल्स हैं उनको क्या करना है, इक्वल करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ये आपका समीकरण नंबर 2, उसको किससे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है और ऊपर कितना है, 4 है। तो समीकरण 1 को, इक्वेशन 1 को, सॉरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड ऐड विद इक्वेशन 1। अब ये नया क्या आया, ऐड क्यों आया? पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सबट्रैक्ट किया था, माइनस किया था, यहाँ ऐड क्यों किया? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड कहती है कि आप एक्स या वाई वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर दो, कैंसिल करो। अब यहाँ जब हम इक्वल कर रहे हैं y को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंबल प्लस में है और दूसरा सिंबल पहले से ही माइनस में है, मतलब दोनों विरुद्ध चिन्ह के साथ में है, अपोजिट सिंबल के साथ में है। तो इन सच सर्कमस्टांसिस व्हाट यू विल डू, आप कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने का मतलब होता है सिंबॉलिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना। तो देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4x, 2 2 4y, 2 2 4। तो हमने इक्वेशन 2 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब इक्वेशन 1 नीचे लिखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आप यहाँ से खुद नोटिस कर सकते हैं कि एक वैल्यू माइनस में है, दूसरी वैल्यू प्लस में है, तो हमें सिंबॉलिक वैल्यू चेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही कट रहे हैं। और जिनके आगे कोई सिंबल नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस में ही रहती है। तो 4x प्लस 3x ये कितना हो जाएगा, 7x। और हियर यू कैन सी 10 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका इक्वल टू की तरफ 14। और अब जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी x की वैल्यू। तो यू हैव हियर 7x इज इक्वल टू 14। x फाइंड करना है, तो ये जो 7x से मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जब हम x को अलग करेंगे तो 7 की वैल्यू जो है वो कहाँ चली जाएगी, सामने वाली वैल्यू के डेनोमिनेटर में चली जाएगी, मींस 14 अपॉन 7 एंड वेयर यू 7 टू द 14 यू विल गेट द आंसर एज x इज इक्वल टू 2।
x की वैल्यू 2 मिल गई. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन वट एवर यू लाइक. आप एक में रखो, दो में रखो, आपको जहां रखना है यू विल गेट द आंसर एवरी टाइम. ओके, सो योर इक्वेशन वन इज देयर, दैट इज 3x plus 4y is equal to 10. You got the value of x. So put जहाँ भी आपको x दिखता है वहाँ 2 लगा देंगे. Plus 4y is equal to 10. अब ये जो मैंने यहाँ रखा हुआ है ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब 3 2 6. तो यहाँ हो जाएगा 6 plus 4y is equal to 10. 6 को ट्रांसफर करते हैं ऑन द अदर हैंड. You can see over here, so 6 यहाँ से उस तरफ ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा. तो आप देखिए 4y is equal to 10 minus 6 it is 4. अब जब y find करना तो 4 by 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया. You will get y is equal to 1. So in this way you got a solution. आपको x और y का solution मिला. तो x की value है अपने पास over here that is 2 and y is there that is 1. This is all about elimination method. I hope you understood this one, right? If you understood this one, if you have any query, you can ask me. Okay. See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.